हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी हब। इस वीडियो में हम जानेंगे 65th IIRS आउटरीच प्रोग्राम के बारे में, जो कि आपका रिमोट सेंसिंग एंड डिजिटल इमेज एनालिसिस के ऊपर होने जा रहा है। ये प्रोग्राम आपका 26 डेज चलेगा, जो कि 17th अगस्त को स्टार्ट होगा एंड 11th सितंबर को ये ख़त्म होगा। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आप कोई भी डिटेल इस प्रोग्राम से रिलेटेड मिस ना करें। तो चलिए बात करते हैं कि इस कोर्स में क्या क्या होगा। तो इस कोर्स में आपको मेनली डिजिटल इमेज एनालिसिस के बारे में बताया जाएगा, जो कि आपका एक कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब भी अपने आप से किसी इमेज को स्टडी करता है, उसे हम डिजिटल इमेज एनालिसिस बोलते हैं। और ये जो इमेज होती है हमारी, ये स्पेशियल डेटा की इमेज होती है, मतलब जो सैटेलाइट कैप्चर करती है। और इसमें हमारा फील्ड्स ऑफ कंप्यूटर और मशीन विजन होती है, जिसको हम मेडिकल इमेजिंग यानी कि हम जो MRI वगैरह करते हैं उसमें भी यूज़ करते हैं। और सैटेलाइट की मदद से हम इमेज को कैप्चर करेंगे, लार्ज साइज इमेज होती हैं वे, और उनको हम एनालिसिस करेंगे कि जो सारा एनालिसिस, याद रखिएगा, जो यहाँ पर होगा वो डिजिटली होगा, कंप्यूटर की मदद से या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस की मदद से। इससे हम क्या करेंगे, पैटर्न रिकॉग्निशन, डिजिटल ज्योमेट्री एंड सिग्नल प्रोसेसिंग, जिससे कि हमें हेल्प मिलेगी जो हम सैटेलाइट यूज़ करते हैं, और सैटेलाइट की मदद से हम GPS नेविगेशन जो यूज़ करते हैं, जिससे कि हम रोड्स की मैपिंग करते हैं, पार्क्स वगैरह, हमारे प्रॉपर डिस्टेंस पे कितनी दूर क्या चीज़ है, उन सारे ऑब्जेक्ट्स की हम मैपिंग करते हैं, तो वो सारा हम सैटेलाइट की मदद से कैसे करेंगे वो हम इस कोर्स में सीखेंगे। इसके साथ साथ आपको एक्सप्लोरेशन टेक्निक्स भी सिखाई जाएंगी कि जिससे आप सैटेलाइट की मदद से जियोकेमिकल और जियोफिजिकल सर्वेस कर सकें, मतलब जो आपके सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं जो अर्थ पे पाए जाते हैं, उनकी आप ज्योग्राफिकल कंडीशन देख सकते हैं कि किस किस एरिया में कौन सी चीज़ पाई जाती है। और इसी तरह आप जियोफिजिकल भी देख सकते हैं कि जियोफिजिकल में आपका इंक्लूड होता है जो आपका फ्लोरा एंड फोना होता है, यानी कि वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड सारी चीज़ें आप उसमें कैप्चर कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसके बाद हम जियोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे अर्थ की, जिससे कि हम इमेजिन कर पाएंगे कि आने वाले टाइम में अर्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है हमारे आज के जो हम डेली लाइफ में हम चीज़ें करते हैं। और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे ये है कि डिजिटल इमेज एनालिसिस और रिमोट सेंसिंग के वाइड स्प्रेड एप्लीकेशन जो है हमारे आज के टाइम के, जैसे कि जियोलॉजिकल स्टडीज़ है हमारी, और फिर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, मेट्रोलॉजी, हम इनमें कैसे रिमोट सेंसिंग को यूज़ करते हैं वो इस कोर्स में हम सीखेंगे। नाउ अब बात करते हैं कि इस कोर्स में आपके कौन कौन से टॉपिक रहेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक रहेगा आपका सोर्सेज एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग इमेज डाटा, और सेकंड रहेगा एरर करेक्शन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ इमेज डाटा। इसमें आप लोग क्या करेंगे, जो आपने फर्स्ट टॉपिक में इमेज कैप्चर करेंगे रिमोट सेंसिंग की मदद से, उसके जो एरर्स होंगे वो सेकेंड टॉपिक में आपको रिमूव करने सिखाए जाएंगे। और हर एक जो स्पेशल इमेज डेटा होता है हमारा, उसको हमें रजिस्टर कराना पड़ता है, तो वो भी हम इसमें सीखेंगे। और थर्ड पे आप देखेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ डिजिटल इमेज डेटा, इसमें आप एनालिसिस करना सीखेंगे डिजिटल इमेज जो आपने कैप्चर की है। और फोर्थ पे आप देखेंगे रेडियोमेट्रिक एंड ज्योमेट्रिक एनहेंसमेंट टेक्निक्स, ये हमारी दो तरह की एनहेंसमेंट टेक्निक्स होती हैं, जिससे हमारा जो डिजिटल इमेज डेटा है उसको हम इन्हेंस करते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे मल्टी स्पेक्ट्रल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इमेज डेटा, इसमें आप इमेज डेटा को मल्टी स्पेक्ट्रल ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे कि हम किस तरह से अपने डेटा को अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा सिक्स टॉपिक है वो है मिशंस एंड सेंसर्स, इसमें हम अपने पास्ट के मिशंस देखेंगे सारे जो भी हमारे इसरो ने लॉन्च किए थे, और सारे सैटेलाइट्स में जो हमारी सेंसर्स यूज होते हैं वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ हाइपर स्पेक्ट्रल इमेज डेटा, यहाँ पर हम जो इंटरप्रेट करेंगे हाइपर स्पेक्ट्रल, मतलब हाइपर फ्रिक्वेंसीज जो होती हैं हमारी, काफ़ी लार्ज फ्रिक्वेंसीज जो होती हैं उसमें हम इमेज डेटा को इंटरप्रेट करेंगे। और लास्ट टॉपिक आपका रहेगा कि रिमोट सेंसिंग को हम कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि हमने आपको पीछे बताया कि आप इसको रिमोट सेंसिंग को जियोलॉजिकल स्टडीज़, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और मेट्रोलॉजी के लिए यूज़ कर सकते हैं। नाउ अब कोर्स की डिटेल्स देखते हैं। इसकी फीस आपको कुछ भी नहीं देनी है, ये कोर्स कम्प्लीटली फ्री है इसरो की तरफ से। और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सर्टिफिकेट की बात करें तो वर्किंग प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया है, जो कि है 70% अटेंडेंस आपको इस कोर्स में थ्रू आउट रखनी है, और 40% आपका जो वन वीक
ख़त्म होने के बाद आपका एग्ज़ाम होगा, मतलब आपका जो ये कोर्स है ख़त्म होने के 1 वीक बाद एक एग्ज़ाम होगा जिसमें आपको 40% स्कोर करना मिनिमम है, उसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट इशू होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।